Good evening dear students, welcome to our YouTube channel wifistudy JEE, a part of Unacademy. कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे मेन चैनल wifistudy के 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा. और अभी तक ये वर्ल्ड का नंबर वन एजुकेशनल चेंज है, जो कि चेंज कर रहा है, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, राइट. सैटरडे को शाम को 6 बजे इसके लिए बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला. Vishal, I'm good. You say, what about you? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आज की क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज फोटो हैलोजिनेशन. क्या पढ़ने वाले हैं? फोटो हैलोजिनेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है. फोटो हैलोजिनेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग. फोटो हैलोजिनेशन जब स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? फोटो हैलोजिनेशन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं ये फोटो हैलोजिनेशन प्रोसेस है क्या, है ना. RH की जब रिएक्शन हम करवाएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में X2 के साथ में, किसके साथ में? X2 के साथ में कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में. सनलाइट की प्रेजेंस में जब X2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है वो होता है RX और HX. क्या फॉर्म होता है? RX और HX फॉर्म होता है. मैकेनिज्म क्या होती है देखिएगा. X2 काम में लिया, सनलाइट की प्रेजेंस में जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो कैसा होगा? यहाँ पे फ्री रेडिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा. फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म होने वाला है. और जब ये फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, ये फ्री रेडिकल जब फर्दर RH जो रिएक्शन अवेलेबल उसके रिएक्शन करेगा, तो आपको मैंने बताया था कि फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में ये जो बॉन्ड क्लीवेज होगा ये भी क्या होगा? आपका फ्री रेडिकल होगा. क्या होगा? ये फ्री रेडिकल होगा. ये फ्री रेडिकल होने वाला है. और जब ये फ्री रेडिकल होगा तो ये ब्रेक होगा यहाँ से, ठीक है ना. और ये ब्रेक होके क्या फॉर्म कर लेगा? ये ब्रेक होके फॉर्म कर लेगा एक्स फ्री रेडिकल, और एक एक्स आर के साथ कंबाइन होके आर एक्स फॉर्म कर लेगा. आर फ्री रेडिकल और एक्स फ्री रेडिकल मिलके क्या करेगा? आर एक्स बना लेगा. क्या बना लेगा? आर एक्स बना लेगा. और आर फ्री रेडिकल दूसरे आर फ्री रेडिकल के साथ मिलके क्या कर देगा? आर आर फॉर्म कर लेगा. क्या फॉर्म कर लेगा? आर आर फॉर्म कर लेगा. इसी तरह से रिएक्शन में क्या रहेगा? आर एक्स के साथ क्रॉस कंबाइन कर लेगा, आर आर के साथ कंबाइन करेगा, और एक्स फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर X2 फॉर्म यहाँ पर कर लेगा. तो ये इसकी पूरी मैकेनिज्म होती है फोटो हैलोजिनेशन की. ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म आपकी रहती है. अब इसके अंदर कुछ चीज़ें समझते हैं ना. यहाँ पर ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है वो क्या है? आपका चेन इनिशिएटिव स्टेप. कौन सा स्टेप है ये? फर्स्ट स्टेप, सॉरी दो नहीं, ये फर्स्ट स्टेप जो होगा ये क्या होगा? आपका चेन इनिशिएशन स्टेप होगा. चेन इनिशिएशन स्टेप होगा. और आगे के जो स्टेप होंगे, ये दो स्टेप जो होंगे ये क्या होंगे? आपके चेन प्रोपोगेशन स्टेप होंगे. ये जो स्टेप होंगे क्या होंगे? चेन चेन प्रोपोगेशन स्टेप ये होंगे, ठीक है ना. और लास्ट के जो स्टेप होंगे ये क्या स्टेप होंगे? आपके चेन चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होंगे. क्या होंगे? ये चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होंगे. तो तीन स्टेप यहाँ पे टोटल होने वाले हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन. पहले स्टेप में क्या हो रहा है? चेन को स्टार्ट करने के लिए फ्रेडिकल फॉर्म होगा. फ्रेडिकल बाकी दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर चेन को प्रोपोगेट करेगा, आगे लेके जाएगा. और लास्ट स्टेप में क्या होगा? चेन टर्मिनेट हो जाएगी. चेन टर्मिनेशन स्टेप यहाँ पर होगा, ठीक है. अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसके बेसिकली तीन स्टेप हैं. क्या स्टेप बताए मैंने? फर्स्ट आपका चेन इनिशिएशन स्टेप जो पहला स्टेप था, ठीक है ना. चेन प्रोपोगेशन स्टेप जो कि आपका सेकंड और थर्ड स्टेप था. और थर्ड कौन सा होगा? चेन टर्मिनेशन स्टेप जो कि कौन सा था आपका? फोर्थ और फिफ्थ स्टेप होगा. कौन सा होगा? फोर्थ और फिफ्थ स्टेप होगा आपका. तो चेन इनिशिएशन स्टेप जो है वो क्या होगा उसकी बात करते हैं. द स्टेप इन विच फ्री रेडिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द प्रोडक्ट साइड आर नोन एज चेन इनिशिएशन स्टेप. फ्री रेडिकल सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट साइड में अगर मिलते हैं आपको, देखिएगा इसके अंदर फ्री रेडिकल कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट साइड में है, तो उसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप. अगर किसी स्टेप के अंदर फ्री रेडिकल जो है वो आपके लेफ्ट और राइट साइड दोनों में इन्वॉल्व है ना, तो वो क्या कर रहा है? बेसिकली फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन को इंक्रीज कर रहा है. तो वो जो स्टेप होगा उसको क्या बोलोगे आप? उसको आप बोलोगे चेन प्रोपोगेशन स्टेप. द स्टेप इन विच फ्री रेडिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड अवेलेबल होंगे, ठीक है ना.
आर नोन एज चेन प्रोपोगेशन स्टेप. इन दिस स्टेप बॉन्ड फ्यूजन एज वेल एज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. वहाँ पे बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड नए बन भी रहे. देखिए यहाँ बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है. यहाँ बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है. तो बॉन्ड फ्यूजन और फॉर्मेशन, फ्यूजन दोनों प्रोसेस जो है एक साथ यहाँ पर होते हैं. क्लियर है बात? अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट चेन टर्मिनेशन स्टेप. तो चेन टर्मिनेशन स्टेप की बात करेंगे तो उसमें क्या हो रहा है. चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर देखिए यहाँ पर जो फ्री रेडिकल्स हैं वो फ्री रेडिकल्स कंबाइन होके वो क्या करेंगे, आपके खत्म कर देंगे उस स्टेप को, फ्री रेडिकल्स को खत्म कर देंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड पे फ्री रेडिकल होगा लेकिन राइट हैंड साइड पे फ्री रेडिकल नहीं होगा. मतलब तीन हो गया. राइट हैंड साइड में जो फ्री रेडिकल्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे चेन इनिशिएशन स्टेप, और जब लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे तो उसको बोलेंगे हम चेन टर्मिनेशन स्टेप, और जब दोनों तरफ होंगे तो उसको हम बोलेंगे चेन प्रोपोगेशन स्टेप. राइट, तो चेन टर्मिनेशन स्टेप जो है यहाँ पर होगा. और चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होगा, ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड फ्यूजन नहीं होगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा. वहाँ पर सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन आपका होने वाला है. ठीक है, तो इन चीज़ों के आपको अंदर देखना. और यहाँ पर क्या रहेगा, आपका जो स्लोएस्ट स्टेप होगा इस रिएक्शन के अंदर, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, जिसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड फ्यूजन दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं. क्या हो रहे हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं, चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स. ठीक है ना, चेन प्रोपोगेशन स्टेप जो है वो कौन सा होगा, आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होगा. और ये हेल्प करेगा आपको रिएक्शन की रेट को डिसाइड करने में. फैक्ट्स क्या क्या रहते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या रहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे इसकी बात करते हैं. ऑर्डर ऑफ हैलोजिनेशन विल बी, ऑर्डर ऑफ हैलोजिनेशन क्या होगा आपका, F2 Cr2 Br2 और I2 आपको दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, F2 Cl2 Br2 I2 दिया हुआ है. और यहाँ पर आपको देखना है कि हैलोजिनेशन सबसे अच्छे से कौन करता है. तो F2 जो है इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है टूवर्ड्स हैलोजिनेशन. ठीक है, ये हम पहले मैकेनिज्म में भी डिस्कस कर चुके थे ना. तो चेन प्रोपोगेशन स्टेप क्या होगा, चेन प्रोपोगेशन स्टेप अगर आप RH काम में लेंगे तो चेन प्रोपोगेशन स्टेप यहाँ पर आपको दिया हुआ है. ठीक है, दोनों स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं. और पहला जो होगा चेन प्रोपोगेशन स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों क्या होंगे आपके स्लो स्टेप होंगे. पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल इसका क्या कर रहा है, इस जगह पे क्या हो रहा है, बॉन्ड फ्यूजन होगा, बॉन्ड फ्यूजन होगा. और इस जगह पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. यहाँ पर बॉन्ड फ्यूजन होगा, यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. और इस तरह से क्या होगा, चेन जो है प्रोपोगेट आपकी हो जाएगी. ठीक है ना, इस जगह क्या होगा, सेकंड स्टेप के अंदर आर फ्री रेडिकल और X2 जो है वो मिलके क्या करेगा, यहाँ पर इस रिएक्शन को आगे बढ़ाएगा. और यहाँ पर क्या होगा, RX बन जाएगा. क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा. ये नहीं होगा यहाँ पर, आर फ्री रेडिकल जो है ये जब ब्रेक होगा तो एक फ्री रेडिकल ये बनेगा, एक ये बनेगा. आर फ्री रेडिकल X फ्री रेडिकल के साथ मिलके क्या करेगा, RX फॉर्म कर लेगा और X फ्री रेडिकल बना लेगा. क्या बना लेगा, X फ्री रेडिकल यहाँ पर ये बना लेगा. ठीक है, तो इसमें सिंपल सा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा आपका, कि इफ़ सेकंड वन इज़ RDS तो इट डिपेंड ऑन बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2. अगर आपका सेकंड जो है वो RDS होगा तो डिपेंड करेगा बॉन्ड एनर्जी, इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी. ठीक है ना, बॉन्ड एनर्जी पर ये डिपेंड करेगा. और ऑर्डर ऑफ हैलोजिनेशन विल बी अपोजिट, I2 Br2 Cl2 F2, क्योंकि I2 के लिए जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो सबसे क्या होगी, सबसे कम रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, तो इसलिए वो क्या होगा, वो कि इनकरेक्ट ऑर्डर आएगा अगर हम बाउंड एनर्जी के हिसाब से देखें तो, है ना. और इसलिए सेकंड जो होगा वो आपका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हम नहीं मान के चलते. तो हमारा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, वो होगा आपका फर्स्ट. दो प्रोपोगेशन स्टेप है, दोनों से फर्स्ट वन विल बी आर प्रोपोगेशन, सॉरी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. राइट, इफ हैलोजन इज सेम तो उस केस में क्या होगा, तो रेट ऑफ हैलोजिनेशन जो होगी That is directly proportional to stability of R free radical form. R free radical जो बनेगा, carbon free radical जो बनेगा, rate of halogenation जो होगी वो directly proportional होगी stability of R free radical form के. ठीक है ना, R free radical जो होगा उसके
क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कैसे होती है ये मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। प्रीवियस लेक्चर मेरे जो हुए थे उसके अंदर मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन ऑफ फ्री रेडिकल डिस्कस किया था। अगर आपको ये नहीं आता तो आपको वो लेक्चर पहले का पुराना जाके मैकेनिज्म का देखना चाहिए, है ना। मैकेनिज्म में ये हम वापस से डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल ये वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये ऑर्डर रहता है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का, फ्री ऑर्डर, ये आपका फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टूवर्ड्स हैलोजिनेशन, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन टूवर्ड्स हैलोजिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ आर फ्री रेडिकल फॉर्म ऑफ द रिमूवल ऑफ एच बाय होमोलाइटिक क्लीवेज। यहाँ पे एच होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एच रिमूव हो जाएगा, तो जो फ्री रेडिकल फॉर्म होगा उस फ्री रेडिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन जो है सबसे ज़्यादा होती है आपकी बेंजैलिक हाइड्रोजन की, किसकी होती है, बेंजैलिक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में होती है एलाइलिक हाइड्रोजन की, किसकी होती है, उसके बाद में होती है आपकी एलाइलिक हाइड्रोजन की होती है, आफ्टर दैट 3 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन, और फिर होता है आपका OH फ्री रेडिकल के अंदर H का जो होगा, और फिर लास्ट में आपका आएगा विनाइलिक हाइड्रोजन। इनकी रिएक्टिविटी अगर आपको चेक करनी है तो स्टेबिलिटी आपको फ्री रेडिकल की मैं आपको बता चुका हूँ, आप इनके फ्री रेडिकल एक बार बना लेंगे, और फ्री रेडिकल बनाकर, सॉरी फ्री रेडिकल नहीं, इनके बेंजैलिक हाइड्रोजन बनाएंगे, बेंजैलिक कंपाउंड बनाएंगे, एक एलाइलिक कंपाउंड बनाएंगे, और वहाँ पर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी को आप चेक करेंगे कि वो स्टेबल है या नहीं है। क्यों रिएक्टिविटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी कम क्यों होगी, क्योंकि देखिए जैसे ही एच वहाँ से निकलेगा फ्री रेडिकल फॉर्म होगा, फ्री रेडिकल रेजोनेंस के अंदर चला जाएगा, बेंजैलिक के अंदर सब ज़्यादा होगा, एलाइलिक के अंदर भी रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल जैसे ही रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में जाते क्या होगा, वो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देगा, और स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो जाएगी तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा आपका रिएक्टिव ज़्यादा हो जाएगा टूवर्ड्स रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल नंबर वन की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन के अंदर आपको कोई कंपाउंड दिया है, बी आर फ्री रेडिकल आपको यहाँ पे दिया हुआ, बी आर फ्री रेडिकल से आपको रिएक्शन कराना है, बी आर अटैक कर सकता है आपका 2 डिग्री कार्बन पे भी कर सकता है, 3 डिग्री कार्बन पे भी कर सकता है, और कहाँ अटैक कर सकता है, 1 डिग्री कार्बन पे भी कर सकता है, ठीक है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों पे कर सकता है। अब तीनों पे करेगा तो उस केस में क्या करना है ये देखिएगा, रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री किसकी होगी। अभी हमने बात किया 3 डिग्री हाइड्रोजन विल बी मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स दिस रिएक्शन, तो 3 डिग्री विल बी मोस्ट रिएक्टिव, आफ्टर दैट 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपका बी हाइड्रोजन, बी के बाद कौन होगा आपका, सी हाइड्रोजन, और उसके बाद क्या होगा, ए हाइड्रोजन होगा, ठीक है। क्या होगा ये ऑर्डर आपका रहने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर टू, इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड के अंदर आपको देखना है कि भाई क्या हो रहा है, इस कंपाउंड के अंदर आपको प्रोडक्ट बनाना है, फ्री रेडिकल आपको दिया हुआ है, फ्री रेडिकल के साथ में आप रिएक्शन कराएंगे, और फ्री रेडिकल के साथ जब कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे तो आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। तो इनको ऑर्डर दे देते हैं, ये फर्स्ट आपका हाइड्रोजन है, ये आपका सेकेंड हाइड्रोजन है, ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड, और ये जो हाइड्रोजन होगा इसको हम दे देते हैं थर्ड हाइड्रोजन नंबर दे देते हैं। आपको बताना है कि इसका प्रोडक्ट जो होगा उसमें कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। देखिए सेकंड हाइड्रोजन जो है ये बेंजैलिक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, सेकंड हाइड्रोजन जो है बेंजैलिक हाइड्रोजन है, और ये क्या है आपका टर्मिनल कार्बन वाला है। अगर यहाँ पे ये रेजोनेंस में जाएगा तो कुछ नहीं होगा, उल्टा एसपी मतलब स्टेबिलिटी को इसको डिक्रीज कर देगा, तो ये रिएक्टिव नहीं होगा। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो कौन सा होगा आपका, बेंजैलिक कार्बन, बेंजैलिक के बाद में आपका ये कार्बन, क्योंकि ये 2 डिग्री है, और उसके बाद में वो कार्बन। तो सेकेंड विल बी हाईएस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन, थर्ड विल बी सेकेंड नंबर, एंड फर्स्ट हाइड्रोजन विल बी लीस्ट रिएक्टिव, राइट। अब बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसके केस में क्या होगा। कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल फॉर्म के, स्टेबिलिटी जो होगी आपकी फ्री रेडिकल की उसकी फॉर्म के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर क्या आएगा अगर हम इन कंपाउंड में देखें तो ऑब्वियसली ये इसकी बॉन्ड एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद में ये होगा थर्ड, फिर ये होगा आपका, ठीक है ना, क्लियर है बात। तो नेक्स्ट जो है एक
एसोसिएशन रीजन का क्वेश्चन अगर बन जाता है तो उसके अंदर क्या हो सकता है वो देखिएगा. द रिएक्शन विद एफ टू इज सो फास्ट दैट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट विद एक्सप्लोशन, है ना. तो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लेना. और दूसरी चीज, टू स्लो डाउन द प्रोसेस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द डार्क, अंधेरे में इस रिएक्शन को हम कंप्लीट कराएंगे और फ्री रेडिकल ट्रैपर्स काम में लेंगे, जैसे कि O2 या N2. क्या काम में लेंगे? O2 या फिर N2 हम काम में लेंगे, ठीक है ना. O2 या N2 जब हम काम में लेंगे तो O2 और N2 क्या करेगा यहाँ पे, इसको कन्वर्ट कर देगा. मतलब ट्रैपर्स होते हैं ये, बेसिकली फ्री रेडिकल ट्रैपर्स होते हैं. किसी रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स अगर हैं तो ये ट्रैपर की तरह काम करते हैं. तो यहाँ पे RH हमने काम में लिया, RH की रिएक्शन जब I2 के साथ कराएंगे तो RH I2 के साथ रिएक्शन करके RI फॉर्म कर लेगा. और क्या फॉर्म कर लेगा यहाँ पर, ये HI फॉर्म कर लेगा. क्या फॉर्म कर लेगा ये? HI फॉर्म कर लेगा. HI की रिएक्शन कराया हमने HIO3 के साथ में, और ये फॉर्म क्या कर रहा है, 3I2 प्लस 3H2O. क्या फॉर्म कर दिया? 3H2O इसने यहाँ पे फॉर्म कर दिया. बात करते हैं नेक्स्ट, रिएक्टिविटी वर्सेज सेलेक्टिविटी. किसकी बात करते हैं? रिएक्टिविटी वर्सेज सेलेक्टिविटी, ठीक है. अब रिएक्टिविटी वर्सेज सेलेक्टिविटी क्या होगी? रिएक्टिविटी आपको दी हुई है ना, और सेलेक्टिविटी आपका रिलेशन जो है वो अपोजिट रहता है, ठीक है ना. रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ क्या रहता है हैलोजन्स का? रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि F2 इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स हैलोजिनेशन, आफ्टर दैट Cl2 एंड आफ्टर दैट Br2 एंड लीस्ट विल बी I2. इन केस ऑफ सेलेक्टिविटी, अगर आपको सेलेक्टिविटी करनी है तो सेलेक्टिविटी क्या होगी हैलोजन्स की? I2 विल बी सेलेक्टिविटी में सबसे पहले होगा, फिर Br2, फिर Cl2, फिर F2. रिएक्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सेलेक्टिविटी के, ये आपको ध्यान रखना है. इसको कहीं भी ऊपर नीचे नहीं करना है, ठीक है. क्लियर है बात? क्लियर है? चलिए फिर आगे करते हैं. रिलेटिव रेट क्या रहती हैं हैलोजिनेशन जब हम करवाते हैं? तो हैलोजिनेशन जब करवाएंगे तो 1 डिग्री हाइड्रोजन भी वहाँ पे होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन भी वहाँ पे होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी वहाँ पर होगा. फ्लोरिनेशन जब करवाते हैं तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, फ्लोरिन हाईली रिएक्टिव है और इसलिए इनका जो रेशियो रहता है, रिलेटिव रेट रहती है, वो 1 रहती है, ठीक है ना. मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन हो, 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, फ्लोरीन जो है वो तीनों पे ही सेम अटैक करता है, उसका कोई नेचर ज़्यादा चेंज नहीं होता. Cl2 की बात करें, Cl2 अगर रिएक्ट करेगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में, 3 डिग्री के लिए रेट, रिलेटिव रेट इसकी ज़्यादा रहती है और यहाँ पर ये 5 टाइम रहती है. कितनी टाइम रहती है? 5 टाइम रहती है. ब्रोमीन के केस में क्या होता है? ब्रोमीन के केस में रिलेटिव रेट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ जाता है. जहाँ ये 1 डिग्री के केस में 1 है तो रिलेटिव रेट 2 डिग्री के केस में कितना होगा? 82. एंड इन केस ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन इट विल बी 1600, ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं. एक क्वेश्चन हमने लिया है, इस क्वेश्चन के अंदर हमने लिया है आइसोब्यूटेन काम में लिया है. क्या काम में लिया है? आइसोब्यूटेन हमने काम में लिया है. क्या काम में लिया है? आइसोब्यूटेन काम में लिया है. आइसोब्यूटेन के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे F2 के साथ में, अब F2 के साथ में करवाओगे तो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, सेम केस ही रहेगा. सनलाइट हमने ली है. मैकेनिज्म कैसे है इसकी प्रैक्टिस खुद से कर लेना. चेन इनिशिएशन स्टेप रहेगा. चेन इनिशिएशन स्टेप के बाद में क्या होगा आपका? चेन प्रोपोगेशन स्टेप होगा. चेन प्रोपोगेशन स्टेप के बाद में क्या होगा आपका? थर्ड आपका होगा चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है. जब यहाँ पर फ्लोरीन की अटैक करवाएंगे, फ्लोरीन का अटैक कर सकता है ये, तो 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है. तो दो ही केस बनते हैं फ्लोरीन के पास में. या तो फ्लोरीन 1 डिग्री पे काम करेगा या फिर फ्लोरीन का काम करेगा 2 डिग्री पे काम करेगा. तो इसलिए क्या होगा, एक्स वाई जो होगा, एक्स वाई का जो रेशियो होगा, दो कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, दोनों का रेशियो क्या रहेगा? कैसे निकालेंगे आप? नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है. नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन आपने लिया. नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने? 3, 3, 6 प्लस 3, 9. तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए? 9 हो गए. रिलेटिव रेट ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया? रिलेटिव रेट जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन का वो हो गया आपका 1. तो 9 इंटू 1 ये हो गया आपका 9. क्या हो गया ये? ये हो गया आपका 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन. क्या हो गया? नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन जो है वो 1 है. सिर्फ एक ही तो है ये 3 डिग्री हाइड्रोजन. और रिलेटिव रेट क्या है? 1 है. रिलेटिव रेट 1 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, हैलोजिनेशन जब करवाते हैं फ्लोरीन की प्रेजेंस में या फ्लोरिनेशन जब आप करवाओगे तो इस वजह से उस केस में क्या होगा, दोनों में इक्वल होगा. तो एक्स वाई का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 9:1 होगा. मतलब 9:1 के फॉर्म में ये कंपाउंड बनने वाला है. 9 टाइम ज़्यादा कंपाउंड बनना है आपका, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं. क्लोरीनेशन हमने कराया. क्या करवाया हमने?
क्लोरीनेशन हमने करवाया है, और क्लोरीनेशन के केस में आप बताओगे क्या होगा? क्लोरीनेशन आपका हम करवा रहे हैं, क्लोरीनेशन के केस में क्या होगा? बताइए, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैं आपके कमेंट्स देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ परफेक्ट सर, डाउट्स देखो एक बार। बेटा ब्रोमीन का इसलिए ज़्यादा है, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी कम होती है ना, ठीक है। सत्यम टर्मिनेशन का मतलब है जब फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं बस। शिखर सर, फोटो हेलोजिनेशन HX पहले क्यों बना रहा है, RX क्यों नहीं? बेटा जब मैकेनिज्म की हम बात करें, मैं वापस वो एग्जांपल ले लेता हूँ। ये हम बात करें तो यहाँ पर RH अवेलेबल है, यहाँ पर क्या अवेलेबल है आपके पास में, RH अवेलेबल है रिएक्शन के अंदर। जब हेलोजन यहाँ पर अटैक करेगा, हेलोजन फ्री रेडिकल, तो हेलोजन फ्री रेडिकल इस पर अटैक करके सिर्फ HX ही फॉर्म कर सकता है। क्या फॉर्म कर सकता है? सिर्फ HX फॉर्म कर सकता है, और कुछ फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। HX यहाँ पर होगा, HX के साथ में ये क्या करेगा, HX यहाँ पर फॉर्म होगा क्योंकि RH यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना। चलिए फिर उस क्वेश्चन को कर रहे थे, उस क्वेश्चन को देखते हैं, उस क्वेश्चन में क्या होगा। हाँ बताइए क्या होगा। मान लीजिए ये आपका फॉर्म हो रहा है X% और ये फॉर्म हो रहा है आपका Y%, तो एक्स वाई बाय क्या होगा बताइए। नंबर ऑफ वन डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ वन डिग्री हाइड्रोजन एंड रिलेटिव रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थ्री डिग्री हाइड्रोजन एंड रिलेटिव रेट, ठीक है ना। एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वन डिग्री हाइड्रोजन कितना है 9, नंबर ऑफ थ्री डिग्री हाइड्रोजन कितना है 1, नंबर ऑफ थ्री डिग्री हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर बताओ 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, अगर परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसकी रिलेटिव रेट से करोगे मल्टीप्लाई, रिलेटिव रेट क्या रहेगी बताइए, रिलेटिव रेट बताइए क्या होगा। ये वन डिग्री के लिए है, ये थ्री डिग्री के लिए है, वन डिग्री के लिए रिलेटिव रेट क्या है देखिए टेबल के अंदर, वन डिग्री के लिए क्लोरीनेशन के लिए रिलेटिव रेट है 1, और इसके लिए रेट कितनी है 5, तो एक्स वाई जो है वो क्या आ गया 9/5, ठीक है ना। अब 9/5 आ गया है तो आप इसको परसेंटेज में चेक कर लीजिए क्या आएगा। देखिए टोटल जो होगा, अगर आपको एक्स परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा 9/14 × 100, और अगर आपको वाई निकालना है तो वाई निकालने के लिए आप क्या करोगे, वाई निकालने के लिए आप डिवाइड करोगे 5 को किससे। सत्यम समझ में आ गया अब, गिरीश, सत्यम, सुनील समझ में आ गया अब। X परसेंट निकाल लिया है तो Y परसेंट कैसे निकालोगे, 100 - X%, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर क्या होगा, अगर यहाँ पे इसको X परसेंट बोला है, क्या बोला, X परसेंट बोला है और इसको Y परसेंट बोला है, तो X और Y के लिए रेशियो आ जाएगा, X कितने यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने, 1 डिग्री हाइड्रोजन 9, 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर कितना है 1 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये 9 और 5 आ गया है, और ये रिलेटिव रेट कितनी है, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, ब्रोमिनेशन के लिए रेट क्या रहती है, 1 डिग्री के लिए तो 1 रहती है, और 3 डिग्री के लिए क्या रहती है 1600 रहती है, कितनी रहती है
16 डिग्री रहती है। गिरीश सर ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल बेटा याद रखनी पड़ती है वैल्यूज, ठीक है ना, ये वैल्यूज याद रखनी पड़ती हैं यार बेटा इसमें, ये तो थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। क्या आ गया 9/600 आ गया है ना। अगर आपको x का परसेंट और y का परसेंट निकालना है तो आप x और y का परसेंट निकाल लोगे, x और y की वैल्यू आ गई है, आपको करना क्या मल्टीप्लाई कर देना 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना 100 से, परसेंट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन में क्या होगा, मैं वेट कर रहा हूँ। बताइए ये इसका प्रोडक्ट बनाओगे आप खुद से, क्या बनाओगे प्रोडक्ट आप बनाओगे, ये आपका होमवर्क है। क्या ये आपका, ये होमवर्क है, प्रोडक्ट आप खुद से बनाओगे। सत्यम ज़्यादा याद नहीं करनी है, सिर्फ हैलोजिनेशन की रिलेटिव रेटी याद रखनी है और ज़्यादा नहीं याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इस क्वेश्चन बताना व्हाट विल बी रिलेटिव रेट ऑफ, आपको बताना हाइड्रोजन्स की जो रिलेटिव रेट रहेगी वो क्या रहेगी, है ना, सॉरी हैलोजिनेशन की, है ना। इस कंपाउंड में क्लोरीनेशन आपको कराना है, क्या कराना है आपको, क्लोरीनेशन आपको कराना है, आयोडीनेशन नहीं कराना है, इसमें क्लोरीनेशन करवाना है। आयोडीनेशन की वैल्यू नहीं पता है आपको तो क्लोरीनेशन कराओ इसमें, है ना, क्लोरीनेशन कराओ। यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोरीन ऐड कर दिया और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, क्लोरीन ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपको रिलेटिव रेट बतानी है, रिलेटिव रेट बतानी है परसेंटेज में, किस में बतानी है, परसेंटेज में बतानी है। और नेक्स्ट कंपाउंड क्या होगा आपका, नेक्स्ट कंपाउंड में भी आप क्या करोगे, क्लोरीनेशन करोगे, क्लोरीनेशन कर दोगे आप, और क्लोरीनेशन करके इनकी भी परसेंटेज बताओगे, परसेंट यील्ड आप बताओगे, इसकी भी परसेंट, ठीक है। चलिए फिर आगे करते हैं। सुनील कुमार कहाँ, कुछ हो गया भाई, बेटा इस कंपाउंड में पांच कैसे है ये पूछ रहे हो क्या आप? अरे इसमें पांच, ये टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे जो है ये वन आएगा, क्या आएगा, ये वन आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसमें, इसमें वन आएगा। एक्चुअली क्या होता है, पिछला क्वेश्चन जो था ना, पिछले क्वेश्चन में यहाँ फाइव आ रहा था ना, उसको कॉपी पेस्ट जब किया होगा ना टाइपिंग करते वक्त, तो एरर आ जाती है यहाँ पर, है ना। सार्थक बेटा सिलेबस जो है वो आपका जेई मेन से पहले हो जाएगा, डोंट वरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी नॉन मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म फ्रॉम, आपको बताना है हाउ मैनी मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म फ्रॉम एन पेंटेन, किससे, एन पेंटेन से कितने फॉर्म हो सकते हैं, आइसोपेंटेन से कितने हो सकते हैं, ठीक है, नियोपेंटेन से कितने हो सकते हैं, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन से कितने हो सकते हैं, और 2R क्लोरोब्यूटेन से कितने हो सकते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है ना। ये आप होमवर्क में करेंगे, आप ये करके मेरे को बताएंगे, वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे। कमेंट कैसे करोगे, आप करोगे कि सर फाइव मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स पॉसिबल फ्रॉम एन पेंटेन, मान लीजिए एग्जांपल के लिए फाइव आंसर है आपका, या एक्स आंसर है, तो एक्स प्रोडक्ट्स ऑफ मोनोक्लोरीनेट, एक्स मोनोक्लोरीनेटेड कंपाउंड्स आर पॉसिबल फ्रॉम एन पेंटेन, इस तरह से, इस तरह से आपको वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस, इस एग्जाम्पल में आपको बताना है क्या प्रोडक्ट होंगे, टोटल प्रोडक्ट कितने फॉर्म होंगे बताइए। ये होमवर्क में, ये क्वेश्चंस मैं क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये सारे होमवर्क है। मनीष बेटा आप मैकेनिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं होंगे, मैं जल्दी ही चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना,
बहुत जल्दी मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, आप ये मान के चलिए नेक्स्ट वीक से हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चंस जो है आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए हैं। क्या है ये क्वेश्चंस? होमवर्क है ये सारे क्वेश्चंस। इसमें आप प्रोडक्ट बनाएंगे खुद से, क्लोरीनेशन कराएंगे, क्लोरीनेशन करा के आप प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पर। ये जो कंपाउंड है, एक बार मैं इसको चेक कर लेते हैं, इस कंपाउंड में क्या था एग्जैक्टली। Br2 के साथ करानी है इसकी कंपाउंड की रिएक्शन, और आपको बनाना है डाइब्रोमो। क्या बनाना है? डाइब्रोमो। ये होमवर्क है। हाउ मेनी साइक्लिक कंपाउंड्स आर पॉसिबल विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H3Cl3। क्या है? C3H3Cl3, इसकी आपको बात करनी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन हम करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद NBS। कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन विद NBS। इसमें क्या करना है आपको? आपको एक एल्कीन दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए ये कंपाउंड दिया हुआ है एल्कीन, और एल्कीन के अंदर अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन क्या होंगी आपकी? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर होंगी। और NBS की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है ब्रोमीन से। किससे? ब्रोमीन से। एन ब्रोमोसक्सेनाइड कंपाउंड हम यहाँ पे काम में लेते हैं सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर। अल्फा जो है वो बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन में जो है आप क्या करते हो, ट्रेस करने के लिए लिटिल अमाउंट के अंदर HBr भी ऐड कर देते हो। क्या करते हो? HBr इसमें ऐड कर देते हो ताकि आप इसको ट्रेस आउट कर पाओ। अब इसमें क्या है उसकी बात करते हैं, एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से लेते हैं। एन ब्रोमोसक्सेनाइड होता क्या? ये एग्जांपल नहीं है, ये NBS है। क्या ये? ये NBS है, ये NBS है। NBS की जब रिएक्शन आप कराओगे, NBS एग्जैक्टली होता क्या है, आप देखिए यहाँ पे एक कीटोन ग्रुप है, दूसरा कीटोन ग्रुप है, नाइट्रोजन से यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन से ब्रोमीन यहाँ पे आ रखा है। क्या आ रखा है? ब्रोमीन यहाँ पर आ रखा है। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, ये जो कंपाउंड है इसकी सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो नाइट्रोजन ब्रोमीन का जो बॉन्ड है, नाइट्रोजन ब्रोमीन के बॉन्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एरियन में डिफरेंस नहीं है, और जैसे ही इस बॉन्ड को ब्रेक कराओगे तो ये ब्रेक होने पर सनलाइट की प्रेजेंस में ये कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा, इस कंपाउंड प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल में किसमें फॉर्म हो जाएगा, इन कंपाउंड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर इस रिएक्शन में आपने क्या किया, ट्रेस आउट करने के लिए HBr मिलाया था। क्या मिलाया था? HBr। अब HBr जो है वो फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फ्री रेडिकल बॉन्ड क्लीवेज करेगा। क्या करेगा? फ्री रेडिकल बॉन्ड क्लीवेज यहां पर करने वाला है। ठीक है ना, और ये जैसे बॉन्ड क्लीवेज होगा H जो है N पर जाके अटैक करेगा और H N पे जाके अटैक करके ये कंपाउंड बना लेगा और ब्रोमीन जो है यहां पे फ्री हो जाएगा। तो ये जो कंपाउंड है ये है NBS, लेकिन ये हो गया N ब्रोमो सक्सेनाइड एसिड, और ये कंपाउंड क्या था आपका, ये था N ब्रोमो सक्सेनाइड। नाम याद रह जाएगा, ठीक है, नाम याद रह जाएगा ये। चलिए फिर इसमें बात करते हैं रिएक्शन कैसे हो रही है। आपने NBS लिया, NBS की रिएक्शन आपने HBr के साथ कराई है, NBS आपने लिया है और HBr लिया ट्रेस करने के लिए सनलाइट की प्रेजेंस में। आप कर रहे हो किसकी प्रेजेंस में कर रहे हो? सनलाइट की प्रेजेंस में आप ये करा रहे हो। सनलाइट की प्रेजेंस में जब कराओगे तो पहले बॉन्ड ये ब्रेक होगा और उसके बाद में बॉन्ड ब्रेक होगा ये, ठीक है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मैंने अभी मैकेनिज्म आपको बताया था, वैसे ही होगा एग्जैक्टली, और ब्रेक होके क्या करेगा, ये कंपाउंड आपका फॉर्म कर लेगा। अब ये बेसिकली रिएक्शन नहीं है, ये NBR और HBr की इंटरनल रिएक्शन है, सॉरी NBS और HBr की। NBS और HBr जो रिएजेंट आप काम में ले रहे हो उनकी आपस में रिएक्शन है। कंपाउंड तो भी बाकी, कंपाउंड से रिएक्शन कराना भी बाकी है। हम रिएक्शन में ले रहे थे Br2, ब्रोमिनेशन कराएंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे, ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फ्री रेडिकल यहाँ पर होंगे, ये फ्री रेडिकल जब यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, Br फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल। क्या होगा? Br फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हो गया चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है ना, चेन इनिशिएशन स्टेप इसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, हमने लिया है रिएजेंट, ये क्या आपका ऑर्गेनिक सब्सट्रेट, क्या ये ऑर्गेनिक सब्सट्रेट, ये रिएजेंट जो है Br फ्री रेडिकल जो है इसको रिएक्शन को प्रोपोगेट करेगा और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर H के साथ में अलग हो जाएगा, यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन है ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होगी यहाँ पर, इस अल्फा हाइड्रोजन के साथ ये रिमूव हो जाएगा और यह फॉर्म करेगा HBr प्लस दिस कंपाउंड।
ये कंपाउंड क्या आपका एलाइल कार्बन फ्री रेडिकल, ये क्या आपका एलाइल कार्बन फ्री रेडिकल कंपाउंड है ये आपका। और एलाइल कार्बन फ्री रेडिकल जब ब्रोमीन से रिएक्ट करेगा तो वो किससे रिएक्ट कर लेगा आपका, वो रिएक्ट करेगा यहाँ इस कंपाउंड से। अब देखो इस रिएक्शन में हमें ब्रोमीन चाहिए थी, हमने ये लिया था, ब्रोमीन के लिए हमने क्या लिया यहाँ पे NBS काम में लिया है, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सट्रेट है, ऑर्गेनिक सब्सट्रेट की रिएक्शन आप NBS प्लस HBr से करा रहे हो और HBr और NBS मिलके आपको क्या दे रहा है यहाँ पे ब्रोमीन दे रहा है सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर, यही हो रहा है। NBS और HBr जो है वो क्या कर रहे हैं, वो मिलके ब्रोमीन फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, क्या फॉर्म कर रहे हैं Br2 फॉर्म कर रहे हैं। और जब ये यहाँ Br2 फॉर्म कर रहे हैं Br2 फॉर्म कर लेंगे, Br2 इसके साथ रिएक्शन शो करके इसकी प्रेजेंस में प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, क्या वो फॉर्म करेगा ये चेन टर्मिनेशन स्टेप में जो प्रोडक्ट आपका आ रहा है, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इस कंपाउंड को, 3-bromo, मतलब ये डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट कौन सा रिएक्टेंट होगा उसके ऊपर, तो प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा, तो क्या होगा प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब नोट देखिए इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इन दिस रिएक्शन अल्फा सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, जैसे कि अल्फा हाइड्रोजन जो वो सब्स्टिट्यूट हो गया ब्रोमीन से, ब्रोमीन से रिप्लेस हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस किया था, ब्रोमीन फ्री रेडिकल से रिप्लेस किया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इन दिस रिएक्शन HBr इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी फॉर मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट लो कंसेंट्रेशन ऑफ Br2 थ्री आउट द रिएक्शन, हमने इसमें क्या किया है HBr जो है उसको इन फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी वहाँ पे रखा है ताकि हमारी जो ब्रोमीन की कंसेंट्रेशन वो कहाँ पे रहे, लो पे मेंटेन रहे, ठीक है। अप्रोच क्या है इस रिएक्शन की, पहली स्टेप में आपने क्या किया, रिमूव अल्फा हाइड्रोजन, पहला क्या काम करना आपको अल्फा हाइड्रोजन करना है। सेकंड, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में फ्री रेडिकल जब आएगा तो फ्री रेडिकल जो है डबल बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस करता है, नहीं करता है, करता है, तो जैसे ही रेजोनेंस करेगा तो इसका रेजोनेंस फॉर्म बना लो, रेजोनेंस बनाने के बाद क्या करना आपको ब्रोमीन को कंबाइन कर देना फ्री रेडिकल के साथ में, और मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल के साथ में होगा, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल जो होगा वो कंबाइन होगा ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, रेजोनेंस कराना, रेजोनेंस कराने के बाद मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल आपको यहाँ मिल जाएगा। अब कंपाउंड जो है मैं आपको दे रहा हूँ, ये कंपाउंड्स मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, ये खुद से आपको करने हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन आपको देखना है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है मैं बता देता हूँ, ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होगा, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करो, जो कंपाउंड बना है उसमें रेजोनेंस करवाओ, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड देखो, और मोस्ट स्टेबल कंपाउंड देखने के बाद में ब्रोमीन के साथ में उसको कंबाइन कर दो, तो इस तरह से क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी हो जाती है। सेकंड केस में भी यही करेंगे, आप करके बताइए फर्स्ट केस सेकंड केस के अंदर। सुष्मिता आई एम वेरी लेट, क्यों लेट हो भाई, करिए NBS के साथ रिएक्शन कराइए, अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ होगा, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन ये होगा, अल्फा हाइड्रोजन पे आपको एडिशन करना है। इस केस में क्या होगा, मैंने आपको क्या कहा, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करो, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, अल्फा हाइड्रोजन को जब रिमूव कर दोगे तो ये बनेगा, और इसमें आप रेजोनेंस करवाओगे, क्या कराओगे, रेजोनेंस कराओगे, और रेजोनेंस कराने के बाद में यहाँ पर ब्रोमीन ऐड कर दोगे। आप देखिएगा ये जो कार्बन है ये कारल कार्बन है, ठीक
ठीक है सुनील, मेजर प्रोडक्ट मैंने बताया ना, जो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल होगा उसके साथ में ब्रोमीन को आपको ऐड कर देना है, दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अब मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल क्या है वो आपको मैं अब बार बार नहीं बताऊंगा, वो मैं ऑलरेडी बढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैंने उसको आपको डिटेल में समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन थर्ड, NBS के साथ करानी है थर्ड फोर्थ, ये होमवर्क है आपके क्वेश्चन है ना। ये कंपाउंड्स होमवर्क में आपको करने हैं, ये सारे NBS के कंपाउंड्स हैं। ये बीच में एक कंपाउंड आया है आपका, इस कंपाउंड के अंदर क्या कराना है आपको, सोडियम प्लस ड्राई ईथर से रिएक्शन करानी है, क्या करानी है आपको, सोडियम प्लस ड्राई ईथर से रिएक्शन आपको करानी है। यहाँ बॉन्ड है एक बीच में है ना, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड की आपको सोडियम प्लस ड्राई ईथर से पहले रिएक्शन करानी है, ए प्रोडक्ट फॉर्म होगा, आपको ए प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है क्या होगा, फिर NBS से रिएक्शन करोगे, फिर आपका बी प्रोडक्ट होगा, फिर वो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट दोनों आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। फिफ्टीन तो सिक्सटीन की बात करते हैं, फिफ्टीन तो सिक्सटीन में क्या होगा, फिफ्टीन तो सिक्सटीन में NBS की रिएक्शन है, ये भी आपको होमवर्क करनी, कर लोगे ना, ये होमवर्क जो होमवर्क दे रहा हूँ मैं ये आप कर लोगे ना, विशाल यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो आपकी क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन है, और जब हम ये करवा रहे हैं रिएक्शन तो ये करा रहे हैं हम सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल वहाँ पे आएगा। अब अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल जब आए बनेगा यहाँ पर, तो फ्री रेडिकल क्या करेगा, उसको सब्सटीट्यूट करेगा अल्फा हाइड्रोजन को, तो इसलिए यहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। NBS के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये एडिशन रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, ये एडिशन रिएक्शन आपकी नहीं होगी, क्लियर है। तो ये क्वेश्चंस आपको दिए, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज हंस डीकर रिएक्शन, किसकी बात करनी है, नेक्स्ट रिएक्शन इज हंस डीकर रिएक्शन। तो हंस डीकर रिएक्शन स्टार्ट करें उससे पहले एक बार आप बोल दो तो रेडी हो या नहीं हो, अगर आप रिएक्शन के इस रिएक्शन के लिए रेडी हो तो आप स्टार्ट करते हैं फिर। पंकज सिंह, ये सर कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे, बिल्कुल कमेंट में कर देना, कमेंट में कंपाउंड नंबर देख लेना उसमें, है ना। स्टार्ट करें हंस डीकर रिएक्शन, चलिए हंस डीकर रिएक्शन कर रहे हैं, RCOAG कंपाउंड हमने लिया है, ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, CCl4 हमने काम में लिया और सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट भी हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं, क्या काम में ले रहे हैं, सनलाइट हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में CCl4Br2 कराएंगे तो बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पे कैसा होगा वो सब हमको देखना है ना। सॉरी सनलाइट नहीं लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका RBR, क्या बनेगा, RBR बनेगा, और RBR के साथ में क्या होगा आपका CO2 फॉर्म होगी, CO2 गैस फॉर्म होगी, और AgBr आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, AgBr का प्रेसिपिटेट आपको मिलता है, क्या मिलता है, प्रेसिपिटेट को अपन इस तरह से लिखते हैं डाउन एरो से, ठीक है, AgCl, AgBr, AgI जो प्रेसिपिटेट होते हैं ना उनको डाउन एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैकेनिज्म क्या होगी, देखिएगा RCO जो हमने काम में लिया RCOAg, Ag जो है वो मेटल है, और मेटल क्या होगा कम्प्लीटली अलग हो जाएगा, और Ag जब अलग से होगा
तो ए जी कम्प्लीट चार्ज लेके अलग होगा, और ए जी कम्प्लीट चार्ज लेके अलग होगा तो ओके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर क्या चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा आपका। और यहाँ पर रिएक्शन में आपको क्या अवेलेबल है, बी आर टू अवेलेबल है, और बी आर टू जो होगा वो क्या होगा, पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज होकर क्या करेगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। जो ये किसी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप की तरह काम कर रहा है, और ये डेल पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करके क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करवा देगा, और बॉन्ड को ब्रेक करके ब्रोमीन जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और क्या बन गया ये आपका आर सी ओ ओ बी आर बी आर माइनस, क्या बन गया ये कंपाउंड बन गया, ठीक है ना, बन गया ये कंपाउंड। नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में वहाँ पे आपके पास में बी आर फ्री बी आर अवेलेबल है, नेक्स्ट में क्या होगा, वो कंपाउंड जो है वहाँ पे बी आर पे जाके अटैच हो जाएगा और ए जी बी आर फॉर्म कर लेगा। क्या करेगा यहाँ पे, ये जब ये माइनस वाला बचा हुआ है आपका, ये ब्रेक होगा और ए जी जो है प्लस में जाएगा, और ए जी यहाँ पे अटैक करके क्या करेगा आपका, ए जी बी आर फॉर्म कर लेगा, ए जी बी आर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। हाइपोब्रोमाइट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपोब्रोमाइट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म जो है थोड़ी सी मिक्स है, फ्री रेडिकल भी इसमें है और आयनिक कैरेक्टर भी इसमें आ रहा है ना। तो अब इस केस में क्या करेंगे, फिर तो हम सनलाइट में करेंगे ना इसको रिएक्शन को, किस में करेंगे, सनलाइट में करेंगे, सुनील आप मेरे को पर्सनल चैट पे टेलीग्राम पे आप भेज देना, मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए आर सी ओ बी आर आपने लिया सनलाइट की प्रेजेंस में, कैसे ब्रेक हो गया वो, आर सी ओ फ्री रेडिकल में ब्रेक हुआ और बी आर बन गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ्री रेडिकल आ गया, अब क्या आ गया, फ्री रेडिकल आ गया, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस जगह से फ्री रेडिकल की फॉर्म में, और ये फ्री रेडिकल यहाँ पे मिलके बना लेगा सी ओ टू गैस, क्या बना लेगा सी ओ टू गैस, और ये बन गया आपका आर फ्री रेडिकल, क्या बन गया है, आर फ्री रेडिकल यहाँ पर बन गया है। आर फ्री रेडिकल और आर सी ओ ओ बी आर जो होगा वो मिलके क्या करेगा, आर बी आर फॉर्म कर लेगा, क्या फॉर्म कर लेगा, ये यहाँ पर चेन को प्रोपोगेट करेगा और आर बी आर फॉर्म कर लेगा, आर बी आर प्लस आर सी ओ ओ माइनस जो है यहाँ पर बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, ठीक है ना। अब बात करते हैं आर फ्री रेडिकल और बी आर टू की, आर फ्री रेडिकल और बी आर टू जब रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, आर बी आर बनाएगा प्लस बी आर रह जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये तो हो गया आपका चेन प्रोपोगेशन स्टेप, कौन सा स्टेप है, चेन प्रोपोगेशन। देखो इधर फ्री रेडिकल है, इधर भी फ्री रेडिकल है, दोनों तरफ है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ इसके अंदर देखो, ये लास्ट में क्या हो रहा है, आर फ्री रेडिकल आर के साथ कंबाइन होगा, बी आर बी आर के साथ कंबाइन होगा, दोनों क्रॉस में कंबाइन होंगे और ये क्या फॉर्म कर लेंगे, ये क्या हो गया आपके चेन टर्मिनेशन स्टेप हो गए, क्या हो गए, चेन टर्मिनेशन स्टेप हो गई है, ठीक है, क्या हो गए, ये चेन टर्मिनेशन स्टेप यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहते हैं इसके अंदर वो चीज़ समझ लेते हैं, है ना। रिएक्शन तो इजी है, बी आर टू को ब्रेक करा दोगे, है ना, और वो कंबाइन कर जाएगा, चेन इनिशिएशन अगर आपने ठीक से कर लिया तो आगे प्रोपोगेशन और वो सब कराने में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जो बात है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहते हैं, जो ऑर्डर है रिएक्शन का, क्या ऑर्डर जो है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर दिस रिएक्शन, है ना, वो क्या रहेगा आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर या फिर प्रोडक्शन का जो ऑर्डर रहेगा आर बी आर का, वो क्या रहेगा, 1 डिग्री के लिए ज़्यादा होगा, 2 डिग्री के लिए उससे कम होगा, 3 डिग्री के लिए सबसे कम होगा, ड्यू टू स्ट्रिक हिंड्रेंस। स्ट्रिक हिंड्रेंस को हिंदी बोलते हैं त्रिविम बाधा, जो बच्चे हिंदी मीडियम से उनके लिए बता दूँ, इसको त्रिविम बाधा हम बोलते हैं। लोन पेयर या फिर बॉन्ड्स का रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आसपास में एटम ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये इस तरह का इफेक्ट आता है, तो इसलिए 1 डिग्री जो होगा वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म होने वाला है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज मेनली कैरिड आउट फॉर ब्रोमीन कंपाउंड के लिए हम करते हैं, किसके लिए करते हैं, ब्रोमीन कंपाउंड के लिए करते हैं, बिकॉज आर बी आर जो है वो क्या होता है आपका एप्रिशिएबल अमाउंट के अंदर इसमें फॉर्म हो जाता है। एफ टू एंड सी एल टू की बात करें तो द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, ड्यू टू मोर बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ एक्स बॉन्ड। ओ एक्स बॉन्ड की जब बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर भी ज़्यादा आ जाएगा, और आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर अगर वहाँ पर ज़्यादा आ जाएगा तो ये पेन वहाँ पर आएगा ही आएगा। तो इफ़ आई टू इज यूज देन ईस्टर विल बी मेजर प्रोडक्ट, अगर यहाँ पर आई टू हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ईस्टर आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो जैसे यहाँ पर आई टू हमने काम में लिया है, आई टू हमने काम में लिया इस रिएक्शन के अंदर, तो ये ए जी रिमूव होगा और लेकिन ये यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा आपका, ईस्टर बन जाएगा, क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ईस्टर फॉर्म हो रहा है। इज दैट क्लियर बढ़े आगे। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं मैंने करने के लिए, क्वेश्चंस आपको करने हैं। शुभम आर सी ओ ए जी प्लस बी आर टू आर बी आर प्लस सी ओ टू ए जी बी आर आर बी आर बन गया,
CO2 आपने रिमूव कर दिया AgBr, बिल्कुल ठीक है शुभम। इस रिएक्शन में देखिए क्या होगा, फर्स्ट CH3CH2CO, इसमें क्या होगा, फर्स्ट कंपाउंड सेकंड कंपाउंड में क्या होगा, अब तो पता ही है आप क्या करना है, रिएक्शन कैसे करानी है ना, एजी रिमूव कर दो, फिर एजी रिमूव करने के बाद में बीआर से वहाँ ऐड करवा दो, है ना, बाद में सीओ टू भी रिमूव कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन हो जाएगा क्या, वन ब्रोमो इथीन, बिल्कुल बेटा सही बात है। फर्स्ट कंपाउंड हो जाएगा विशाल, सेकेंड सेकेंड कंपाउंड, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, नाइन टेंथ तक कर लोगे, ये होमवर्क है सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन वन टू टेन, होमवर्क है, क्या है ये आपके होमवर्क है। मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया, अगर आपने मैकेनिज्म को सिंसियरली अगर फॉलो किया तो सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, नेक्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। हाइड्रोकार्बन आपने काम में लिया, एल्केन काम में लिया आपने, एल्केन की रिएक्शन आप एच एन ओ थ्री के साथ करा रहे हो, वेपर फेज में करा रहे हो, हाई टेम्परेचर पर करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, आर एन ओ टू फॉर्म होता है। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिज्म देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म इसकी है, ज़्यादा टाइम नहीं है तो फटाफट इसको करेंगे, छोटी सी है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं कल की क्लास में डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी तो मैं आपको बता दूँ, एच एन ओ टू जब आप काम में लगोगे तो एच एन ओ टू जो होगा वो ब्रेक होगा हाई टेम्परेचर पर इस तरह से, यहाँ से क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पे होने वाला है, बॉन्ड फिजन होगा, OH फ्री रेडिकल और NO2 फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा, OH फ्री रेडिकल और NO2 फ्री रेडिकल बन गया यहाँ पर, RH और OH फ्री रेडिकल जो है उसके साथ में जब रिएक्शन कराओगे तो क्या हो गया, R फ्री रेडिकल प्लस H2 आपको फॉर्म हो गया है, R फ्री रेडिकल और NO2 जो होगा, देखिए ये तो क्या हो गया आपका चेन इनिशिएशन स्टेप हो गया है, और ये इस स्टेप में क्या हो गया, चेन प्रोपोगेशन हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, चेन प्रोपोगेशन, और ये क्या है आपका, चेन टर्मिनेशन स्टेप है, ठीक है ना। तो चेन टर्मिनेशन में क्या बन गया आपका, आर एन ओ टू बन गया। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बहुत शानदार वाला, क्या बनता है यहाँ पे, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन बनता है, जो कि क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास के अंदर, ठीक है। इसमें एक सल्फोनेशन ऑफ एल्केन है, ये आप देखना खुद से, नाइट्रेशन की तरह ही है ना, ये बता दूँ अभी। चलो बता ही देते हैं, अब है अपने पास तो सल्फोनेशन भी कर लेते हैं। सल्फोनेशन में क्या करना है आपको, RH काम में लेना है, H2SO4 काम में लिया, वहाँ क्या लिया, HNO3 काम में लिया था, यहाँ पे क्या काम में लोगे आप, H2SO4 काम में लोगे हाई टेम्परेचर पे, तो RSO3H बन जाता है। मैकेनिज्म क्या रहती है, H2SO4 काम में जब लोगे हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस जगह से, ये फ्री रेडिकल हो गया, ये फ्री रेडिकल हो गया, ठीक है ना, और ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या बन जाता है, SO3H फ्री रेडिकल और OH फ्री रेडिकल, ठीक है ना। SO3H फ्री रेडिकल और OH फ्री रेडिकल जो है इनके साथ में क्या होगा, ये कंपाउंड ब्रेक होके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है RH के साथ रिएक्शन करके, RH जो है OH फ्री रेडिकल के साथ में ब्रेक होके R फ्री रेडिकल और H2O फॉर्म करेगा, क्लियर है बात। ये कौन सा हो गया आपका, चेन इनिशिएशन स्टेप हो गया, ये कौन सा हो गया, चेन प्रोपोगेशन स्टेप हो गया है, और इस वाले स्टेप में क्या हो रहा है आपका, R फ्री रेडिकल और SO3H जो है वो रिएक्शन करके बना लेगा RSO3H, तो ये हो गया आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो नाइट्रेशन और सल्फिनेशन में क्वेश्चन बहुत शानदार बनते हैं, क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा, और कल मेरा प्लान ये है कि मैं आपको ये क्वेश्चंस भी एक बार डिस्कस करवा दूं, जो क्वेश्चंस आप कह रहे हैं, है ना, देखते हैं, अगर टाइम अपने पास होगा तो अपन वो क्वेश्चंस कल डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके ऊपर रिएक्टिविटी की अगर बात करें, रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ये आप खुद से देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, ये खुद से करके देखेंगे, आपको इसमें देखना है कितने टाइप के नाइट्रेशन जो है यहाँ पे बन सकते हैं, कितने टाइप के नाइट्रो कंपाउंड जो है यहाँ पे हो सकता है, नाइट्रेशन जो है वो कितने सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बात रही इस चीज़ की। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूँ, अनएकेडमी प्लस पर, अनएकेडमी प्लस पर
मैं कुछ कोर्सेज लेके आ रहा हूँ, आप मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कौन से कोर्सेज आप पढ़ना चाहते हैं। मैं जल्दी ही कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ अनअकैडमी प्लस पर, और ऑलरेडी मेरा एक हाइड्रोकार्बन का कोर्स चल रहा है, और नया कोर्स जो है जीओसी के ऊपर भी मैं कोर्स लेके आने वाला हूँ, कुछ और कोर्सेज भी मैं लेके आने वाला हूँ, तो मुझे आप वो बता सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, मेरा कोर्स देखना चाहते हैं हाइड्रोकार्बन का, वो पढ़ना चाहते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फिजिकल को बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप 11th क्लास में तो 2 साल का ले सकते हैं, और अगर 12th क्लास में तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहाँ पे आप प्रोमो कोड आप यूज़ करिएगा VIVEK10 Vivek10 यूज़ करेंगे तो इसमें आपको 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ दूसरी चीज़, सैटरडे को जो है हमारा इवेंट है जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, अभी स्क्रीन पर आपको अपेयर भी हो रहा है, वाईफाई स्टडी जो है एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल तो वो है ही है ऑलरेडी, लेकिन एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड, एक आयाम स्थापित करने जा रहा है, वो है 10 मिलियन यूजर्स का, 10 मिलियन जो है बच्चे, मतलब 1 करोड़ बच्चे जो है उसमें होने वाले हैं, बस आज कल में होने वाले हैं, परसों उसका सेलिब्रेशन होगा, ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा शाम को 6 बजे हमारे चैनल्स पर, तो हमें वहाँ पर आप वेट करेंगे, हम आपका, आप भी हमारा सेलिब्रेशन में साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।